फिर बहा है घाटी में कश्मीरी पंडितों का लहू, फिर ली गई है घाटी में कश्मीरी पंडित की जान। फिर छलनी किया गया है कश्मीरी पंडित का सीना, फिर से एक बार हुई है कश्मीरी पंडितों के दिलों में दहशत भरने की वहशियाना हरकत। कश्मीर के शोपिया में चोटी गांव इलाके के इस घर में मातम है, कोहराम मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि इसी घर के दो नौजवानों को टारगेट करके आतंकियों ने निशाना बनाया है। आतंकियों ने उस वक्त हमला किया जब दो सगे भाई सुनील भट्ट और पिंटू भट्ट सेब के बागान में काम कर रहे थे, तभी दहशत के सौदागरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में सुनील कुमार की जान चली गई और पिंटू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जब हमारा वादा हुआ मेरे भाई के साथ, मैं चार बार ड्यूकॉम के पास गया, डीसी के पास गया, उन्होंने एक बार ये हमारी न्यूज़ बोला अपने गांव में बैठो, उधरी मारो, उधरी करो अपना काम। इसलिए आज हमें ये देखना पड़ा, पहले उनको लाओ, इनको यहाँ से दफा करो, गवर्नमेंट फ्रॉम सर्विस करो, डीसी और ड्यूकॉम साहब को। उन्होंने कुछ नहीं, उनको बोला यहाँ हर जगह सीआरपी डाली, हर जगह पुलिस डाला, यहाँ क्या किया, हमें कौन सी सिक्योरिटी है, यही सिक्योरिटी रखी हमें यहाँ। कहने के लिए तो कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, राष्ट्रपति का शासन है, उपराज्यपाल के हाथ में कमान है, आर्टिकल 370 हट चुका है, मगर कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अपराध नहीं थम रहे हैं। लोगों के दिलों में दहशत है, खासकर उनके जो पहले से ही अपने बच्चों को खो चुके हैं। 1990 में भी नहीं हालात ठीक थे, लेकिन बाद में कुछ सुधार हुए थे 2017-18 के बाद। अब इन्होंने फिर टारगेट किलिंग करना स्टार्ट किया, जो 90 में हो रहा था, 89-90 में यही हो रहा था जब हमने उस वक्त मास माइग्रेशन की थी, और 90 के दौर के बाद अब ये 2020-21 से स्टार्ट हो गया कि अब ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को लेकर मुखर रहने वाले अनुपम खेर इस हत्या से आहत है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है, और इसकी जितनी भी ज्यादा निंदा की जाए कम है। एक और कश्मीरी पंडित की जान गई तो विपक्ष को केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। असदुद्दीन ओवैसी इसे केंद्र सरकार की नाकामी बता रहे हैं। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा, तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है, और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान बंद करो, बंद करो। मगर बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने घाटी की फिजा में बारूद की गंध खोली है, उसी ने कश्मीर की चट्टानों पर बिखेरा है कश्मीरी पंडितों का लहू। और ये साक्ष्य जो पाकिस्तान कर रहा है, इसका हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया, इस बार भी देंगे, और जो जो आतंकवादी इस साजिश में शामिल हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको और उनके समर्थकों को मौत के घाट उतारा जाएगा, और इस निर्मम हत्याकांड का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान तो खैर सुधरने वाली शय है ही नहीं, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में आतंकियों को खाद पानी मिलता है, मगर सवाल ये है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में नाकामी हाथ क्यों लग रही है, और घाटी में टारगेट किलिंग बंद क्यों नहीं हो रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।